अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर थ्री। चैप्टर नंबर थ्री आप क्लास सेवन में भी पढ़ चुके हैं, बड़ा आसान सा टॉपिक है। ठीक है, अब चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो चैप्टर थ्री है, हेडिंग डालते हैं चैप्टर नंबर। चैप्टर थ्री का नाम है स्क्वायर स्क्वायर रूट्स बोल रूट्स, पहले हम स्क्वायर रूट्स डिस्कस करेंगे, फिर क्यूब और क्यूब रूट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। बेटा देखें, स्क्वायर क्या होता है, या स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर को जब इस नंबर से खुद मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है स्क्वायर। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे फाइव है, अगर आप फाइव को मल्टीप्लाई करते हैं, फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव, ये 5 की पावर 2, तो जो पावर टू है ये बेसिकली क्या बन जाता है, स्क्वायर। टू को हम कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो 5 की पावर 2 स्क्वायर। देखिए जैसे अब फॉर एग्जाम्पल ये बेसिकली, ठीक है, तो ये है जैसे ये 5 था, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इटसेल्फ से, तो ये क्या बन गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 का स्क्वायर, और ये बेसिकली 25 ही होता है। ठीक है, अच्छा ये भी आपको याद होगा छोटी क्लासेस में कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी पावर सेम हो, देखिए जैसे ये पावर टू है, ये पावर टू है, तो ये क्या हो जाता है कि ए बी की होल पावर 2 आ जाता है, दोनों के ऊपर पावर बन जाती है। ठीक है, इसी तरह देखिए जैसे अगर ए की पावर 2 है और ए की पावर 3 है, जब बेस सेम हो, जब क्या हो, बेस सेम हो, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, नहीं अगर पावर सेम हो और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर होल पावर लिख देते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर्स इनकी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ए की पावर 2 प्लस 3, ए की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम किसी भी नंबर को इट्सेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि When a number is multiplied itself, multiplied itself, ठीक है, the product is called है बेटा। यानी किसी भी नंबर को अगर उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो नंबर क्या बन जाता है, उसका स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, यानी हमें बेसिकली क्या करना होता है, जो पावर टू है वो पावर टू बनानी होती है। तो किसी भी नंबर की अगर पावर टू होगी तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो अब हमें ये बताना है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यानी परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बेटा,
किसी भी नंबर की अगर पावर टू बनती है, देखिए जैसे ए की पावर टू है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, फाइव की पावर टू है, सेवन की पावर टू है, वन, सिक्सटीन की पावर टू है, तो किसी भी नंबर का यानी होल पावर टू बनेगी तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के देखें, अब हमें ये बताया कि कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है या कौन से, हमें ये बताना है कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर वन है, ये एक्सरसाइज 4.1, सॉरी 3.1। बट हमें बताना है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर वन है, 196, तो आपने क्या करना है कि इसको, इसके बनाएंगे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर बनाने के बाद सबके बनाएंगे स्क्वायर, अगर सबके बन गए स्क्वायर तो ये क्या होगा आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब बेटा देखिए 196 के हम बनाते हैं प्राइम फैक्टर, तो बेटा देखिए 2 8 16, एक यहाँ पे कैरी, तो ये हो गया 16, 2 8 16, सॉरी 2 9 18, टू नाइन द 18, देख यहाँ पे कैरी, 2 8 16 19 98 आ गया। अब ये फिर 2 पे जाएगा, 2 4 द 8, और एक यहाँ पे कैरी 18 आ गया, और 2 9 द 18 9 आ गया। अब देखिए ये मजीद ना 2 पे जा रहा, ना 3 पे, ना 4 पे, ना 5 पे, ना 6 पे, अब ये 7 पे जा रहा है, 7 7 द 14 9, 7 1 द 7। बेटा देखिए क्या हो जाएगा, 196 के ये फैक्टर बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। देखिए 2 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, बताया था कि जब बेसिस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, ये भी 7 की पावर 2, तो ये देखिए दोनों की पावर 2 बन गई है, तो जब दोनों की पावर 2 बन गई इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मजीद करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको बताया था मैंने कि अगर दो नंबर्स, अगर जैसे लिखा हो ए की पावर 2 और बी की पावर 2, इन दोनों की पावर सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आप इसे कंबाइन कर सकते हैं, ए बी की होल पावर 2, इस वजह से हम इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, और 2 7 द 14 की पावर 2। अभी 196 बेसिकली किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी 196 जो है 14 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह आप लोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट एक और आपको समझाता हूँ, 1 2 9 6, 2nd पार्ट है 1 2 9 6, इसके बनाए प्राइम फैक्टर्स, 2 6 द 12, 2 4 द 8, और एक यहाँ पर कैरी, 2 8 द 16, ये 2 पर 2 3 द 6, 2 2 द 4 4 द 8, फिर ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, 2 1 द 2, 2 6 द 12, और 2 2 द 4, फिर ये 2 पर 2 8 द 6, 2 1 द 2। अब 81 3 पे भी जाता मगर ये 9 पे भी जा रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट 9 पे कर देते हैं, 9 9 द 81, और ये 9 1 द 9, तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 2 9 6, तो ये 2 कितने हैं, 4 2 है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 मल्टीप्लाई बाय 9। देखिए ये जो 2 है, 2 2 2, ये पेयर, ये 9 के भी 2 पेयर है, एक पेयर है, ठीक है। अब देखिए इनके बेसिस सेम, तो पावर ऐड हो जाएंगे, 2 की पावर 2, ये भी 2 की पावर 2, और ये 9 की पावर 2। और आपको मैंने बताया कि अगर पावर सेम हो और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो अब इन्हें कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 की होल पावर 10, अब ये 2 2 द 4, और 4 9 30 6। अब जो 1 2 9 6 है, ये बेसिकली 36 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये आपने देख लेना है। अब इसी तरह इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 है,
325। अब बेटा देखिए 325 को हमने चेक करना है कि आया ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप इसके बनाए प्राइम फैक्टर्स 325। बेटा इसके क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा, तो 5 6 30 और 2 यहाँ पे कैरी हो जाएंगे, तो देखा 25, 5 5 25। अब ये मजीद 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 1 5, एक यहाँ कैरी 15 हो जाएगा, ठीक है, तो 5 3 15, तो ये 13 1 13। तो बेटा देखिए 325 जो है जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। बेटा देखिए 5 का तो 2 5 है तो 5 की पावर 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 13। बेटा देखिए 5 का तो स्क्वायर बन रहा है मगर 13 का स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो सबके स्क्वायर बनने चाहिए, अगर सबके स्क्वायर बनेंगे नहीं पावर 2 बनेगी तब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप लिख देंगे देयरफॉर 325 होता परफेक्ट स्क्वायर। बेटा अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट, ठीक है, और स्क्वायर रूट भी हमने फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ विजन मेथड। अब स्क्वायर रूट अच्छा बेटा देखिए स्क्वायर रूट बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर रूट जो होता है ना परफेक्ट स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अच्छा स्क्वायर रूट का ये होता है साइन, इसको हम रेडिकल साइन भी कहते हैं, उसको हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। अच्छा वैसे देखिए क्या होता है बेटा, ये आपको मैं बता दूं ताकि आपकी नॉलेज के लिए, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स और यहाँ लिखा हुआ है एम, ये जो एक्स है एक्स को हम कहते हैं रेडिकेंट, कहते हैं रेडी, और एन को हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक है, एक्स को कहते हैं इंडेक्स। अच्छा बेटा अब आपने याद रखना, देखिए अगर खाली अगर ये लिखा होगा ना जैसे एक्स एक्स और यहाँ लिखा हुआ है एम, यानी रेडिकेंट एक्स और यहाँ पे इंडेक्स में एम है, तो ये आता है एक्स की पावर 1 बाय एन आता है, यानी अगर जो यहाँ पे इंडेक्स में तो वो फ्रैक्शन में 1 अपॉन एन आ जाता है, और अगर लिखा हो खाली एक्स लिखा होगा तो ये एक्स की पावर 1 बाय 2, जो रेडिकल साइन होता है इसकी वैल्यू 1 बाय 2 होती है, ये आपने 1 बाय 2 डालना है, और अगर यहाँ लिखा हो एक्स की पावर यहाँ पे एक्स और यहाँ इंडेक्स में 3 होगा तो एक्स की पावर 1 बाय 3 आएगा, अगर यहाँ लिखा हो एक्स यहाँ लिखा हो 4 एक्स की पावर 1 बाय 4, तो खाली ये नहीं होगा आपके पास, जो आपने याद रखना है जो हमारे कोर्स में वो स्क्वायर रूट है, तो आपने ये याद रखना है, और खाली स्क्वायर रूट होगा तो उसका मतलब एक्स की पावर 1 बाय 2 है, ठीक है। तो अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे 4 है फॉर एग्जाम्पल, 4 का स्क्वायर रूट निकालना बेटा, 4 को आप याद याद होगा 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। अब देखें ये 2 की पावर 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 बताया था कि खाली स्क्वायर रूट लिखा होगा, भी आपको बताया था कि अगर ये लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, एक्स की पावर 1 बाय 2 है देखेंगे, ठीक है। एक्स की पावर 1 बाय 2 लिखेंगे, अब देखें यहाँ पे आपके पास ये ठीक है एंड यानी आपके पास ये स्क्वायर रूट था ये आ जाएगा 1 बाय 2। अब देखिए ये पावर से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, देखिए ये आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, इस तरह स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे 625 है, 25 को 5 की पावर 2, देखिए अच्छा बेटा अगर डायरेक्ट भी करना चाहे ना, देखिए स्क्वायर रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1 बाय 2,
ये डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते हो, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 5। ठीक है, इसी तरह आपने याद रखना है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे दो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, चाहे तो आप लिख सकते थे कि मैंने बताया था कि जब भी ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और पावर सेम हो तो आप इसे होल पावर लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप इसे स्क्वायर से भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ए बी ये भी ठीक है। और दूसरा अगर आप चाहें तो देखें ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर रूट है, तो जब भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो ठीक है और रेडिकल साइन हो, आप क्या कर सकते हैं दोनों के ऊपर अलग अलग कर सकते हैं, ए स्क्वायर ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं मल्टीप्लाई का, बी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं, ये दोनों आप कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए बी अलग अलग भी कर सकते हैं और होल पावर करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड स्क्वायर रूट बाय एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, और कई दफा कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ठीक है उसके लिए फिर हम यूज करते हैं डिवीजन मेथड। अब हम सीखेंगे डिवीजन मेथड, ठीक है। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, C841। तो बेटा देखिए जब भी आपने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है, देखिए 841 है, पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि इनके बनाने हैं पेयर्स, राइट हैंड साइड से आपने हमेशा इनके बना लेने हैं पेयर्स। लेकिन ये 41 ये एक पेयर बन गया, अब देखिए 8 का पेयर नहीं बन रहा, अब आपने इनका निकालना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के लिए आप इस तरह का साइन डाल देंगे जैसा डिवीजन निकालते हैं, तो थोड़ा सा इसको मैंने नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा पहले स्टेप में मैंने क्या बताया कि इनके बना लेने हैं पेयर्स, तो पेयर देखें ये 40 राइट हैंड साइड से पेयर जोड़े बना लेने हैं, जिसका जोड़ा बन रहा है वो बना लेंगे, जिसका नहीं बन रहा उसको ऐसे रहने देंगे। तो ये 41 ये तो पेयर बन गया, 8 का नहीं बन रहा, अब आपने करना क्योंकि डिवीजन मेथड है इस तरह का डिवीजन का साइन डाल देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है जो नंबर 8 है इसके के ऊपर एक ऐसा टेबल पढ़ना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो बेटा देखिए आपको याद होगा, देखिएगा जो 8 के से जो बड़ा नंबर है वो आपके पास क्या है 9 है, तो 9 होता है 3 का परफेक्ट स्क्वायर, देखिए ना 9 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आपने हमेशा पहला जो स्टार्ट करना है वो पहला हमेशा जो फर्स्ट स्टेप है ना उसमें हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही ऐसा टेबल पढ़ना है जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, ठीक है ना। तो 9 देखिए 3 3 से 9 होता है, तो 9 तो 8 से बड़ा हो जाता है, इसके बाद एक होता है 4 होता है, 4 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 8 को यहाँ करेंगे यहाँ, ये से कहते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन में भी 2 लिखेंगे और जिससे डिवाइड करेंगे वो भी आप यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, और ये 2 2 द 4 ये आपके पास आ गया, अब 8 में से 4 गया तो ये तो आ जाएगा 4, और यहाँ से ये पूरा जो है ना ये उतार लेंगे आप 41 पेयर उतार लेंगे, और बेटा फिर जो आपने यहाँ क्वेश्चन में लिखा है ना वो आप यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, वो आप यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, तो ये 2 और 2 4 हो गया। दोबारा सुन लें बेटा क्या, देखिए पहले पेयर बना लेंगे, अब 40 यानी जो 8 4 1 क्योंकि ये 3 नंबर है तो पेयर एक ही बना 41, 41 के ऊपर आपने बार डाल दी, बार डाल देते हैं, 8 को आपने वैसे ही लिख लिया। ठीक है, अब आपने 8 के करीब ऐसा टेबल पढ़ना है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, तो 8 के करीब एक नंबर होता है 9, तो 9 होता है 3 3 9 मगर 9 8 से बढ़ जाता है, तो उससे छोटा नंबर होता है वो होता है 4, तो 2 टू द 4 वो क्वेश्चन में भी लिख देंगे और ये डिवाइजर में भी लिख देंगे। ठीक है, वो जो 2 आपने क्वेश्चन में लिखा वो आप यहाँ पे ऐड भी कर देंगे 2 टू द 4। अब यहाँ से 8 में से 4 गया 4 आ गया, और बाकी 41 आपने ऐसे उतारे, यानी पेयर उतारना होता है,
अब आपने क्या करना है, यहां पर एक ऐसा नंबर लिखना है कि अगर आप उसको, यानी यहां पर एक आपने ऐसा नंबर लिखना है, यानी 4 को मिला के, कि अगर आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 441 आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, यहाँ पे लिखता हूँ 5, यहाँ पे भी लिखूंगा 5, क्वेश्चन में यहाँ पे डिवाइडेड में 5, तो देखिए 45 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 फाइव 25, 5 आ गया, और 5 फोर 20, और ये आ जाएगा 22, 225 आ गया, यानी काफ़ी कम है। तो अगर हम इस तरह 6 को लिखेंगे, 7 को लिखेंगे, 8 को देख चेक करते हैं, देखें अगर हम 8 को चेक करते हैं, 48, और यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 लिखते हैं, तो यहाँ पर भी 8, तो 48 8 64 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 8 6 8 4 32 32, और 6 38, तो ये आ जाएगा 384, ये भी कम है। इसका मतलब हमें अब 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो 9 को लिखते हैं, तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9, अब देखिए 49 को हम लिखते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 81, 1 आ गया, 8 कैरी, 8 4 9 4 36, 36 हो गया 4 44, बेटा देखिए ये आपके पास 441 आ गया, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 441, और देखिए जब माइनस करेंगे तो ये आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब इसका ये क्या है, ये इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 841, और स्क्वायर रूट आ जाएगा 249, सॉरी 29, तो ये आ जाएगा 29, तो ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, एक आपको और समझाता हूँ, अब देखिए सेकंड पार्ट, सेवन 9 2 9, बेटा इसके भी आप बना लेंगे पेयर्स, देखें तो ये 21 एक पेयर बन गया, और 779 एक पेयर बन गया, ठीक है, दोनों पेयर बन गए, ठीक है, उसमें देखिए एक पेयर नहीं बन रहा था, इसमें दोनों पेयर बन गए, अच्छा। अब बेटा देखिए वो ये पेयर 79 पेयर बन गए, तो अब आपने 79 के ऊपर एक ऐसा टेबल पढ़ना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, तो 79 के करीब ऐसे एक होता है 81 होता है, ठीक है, तो 81 होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाता है 81, तो देखिए ये 81 तो बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको यानी 8 पढ़ना पड़ेगा, देखें यानी जो 68 मल्टीप्लाई बाय 8, ये होता है 64, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8, लिख देंगे क्वेश्चन में, और 8 लिख देंगे डिवाइजर में, और वो 8 यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, ठीक है, अभी 8 8 64 आ गया 64, अब ये 8 और 8 को ऐड कर देंगे 16, और यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस कर देंगे, 9 में से 4 गया तो 5 आ गया, तो 7 में 6 गया तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये पूरा पेयर उतार लेंगे 21, अब देखिए 16 है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक ऐसा टेबल, यानी यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है कि आप 16 और आगे नंबर जो लिखेंगे उससे मल्टीप्लाई करें तो 1521 आ जाए। बेटा देखिए अगर हम यहाँ लिखते हैं 5 लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर भी 5, तो 165 और मल्टीप्लाई बाय 5, देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ये आपके पास आ जाएगा 165 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 825, ये काम है, हमें चाहिए 1521। इससे आप 7 को चेक करें, 8 को चेक करें, और देखें 9 को चेक करते हैं, 169 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, तो 169 मल्टीप्लाई बाय 9, तो देखिए ये आपके पास आ रहा है 1521, पूरा आ रहा है 1521।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे 5 9, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे 9 और यहाँ पे लिख देंगे 9। तो 169 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1521। देखिए रिमाइंडर बच गया 0। इसका मतलब है कि 7921 का जो स्क्वायर रूट है ये आ जाएगा आपके पास 80। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गए। एक आपको और समझा देता हूँ, ठीक है, बाकी फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब इसका पार्ट 6 है। फोर नाइन 284, 9284। बेटा देखिए, पहले स्टेप में तो आपने क्या करना है, इनके बनाने हैं पेयर्स, ठीक है। पेयर्स आप बनाएंगे राइट हैंड साइड से। देखिए ये 84, ये पेयर बन गया 92, ये बन गया पेयर। अब फोर का नहीं मान रहा, ठीक है। अब फोर को ऐसे रहने देंगे, ये डिवीजन का साइन डालेंगे, ठीक है। अब बेटा देखें, अब आपने क्या करना है, ये जो फोर यानी फोर पर टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो फोर का देखिए सिंपल सा, फोर होता है 2 का स्क्वायर रूट, तो ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 2, यानी 2 का मल्टीपल। अब ये 2 2 द 4, और ये 2 यहाँ पे ऐड भी कर देगा, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये प्लस माइनस ये आ जाएगा 0, 4 में से 4 गया 0, और ये दोनों पेयर उतार लेंगे, ठीक है। ये 92 ये आपने उतार लिया, ठीक है, 92 उतार लिया, 92 और 84। ठीक है बेटा, 92 आपने उतार लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है ताकि उससे मल्टीप्लाई करें तो 92 आ जाए, 92 के करीब आ जाए। तो बेटा देखिए, अगर हम यहाँ लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिख देते हैं 2, तो 42 और 2 यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, तो ठीक है। तो 42 का कितना हो जाएगा, 84। तो ये आपको आएगा 44 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इन्हें क्या किया हम लोगों ने, हमने यहाँ पे देखें एक ऐसा नंबर लिखा, यहाँ 4 था, आपने एक ऐसा नंबर लिखा ताकि उसको मल्टीप्लाई करने से 92 आ जाए, 92 के करीब आ जाए। तो अगर हम 2 लिखते हैं, अगर 1 लिखते हैं तो आपके पास 41 आएगा, वो छोटा हो जाएगा। 3 लिखेंगे तो वो 43 मल्टीप्लाई बाय 3, 92 से बड़ा हो जाएगा, तो आपने लिखा 2, तो 42 हो गया। तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 84 आ गया। 2 यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, आ जाएगा 44। और ये देखिए 92 में से 84 गया, 12 में से 4 गए कैरी, 12 में से 4 गया 8 आ गया, आ जाएगा 8। अब यहाँ से 84 वाला उतार लेंगे, ठीक है, 84, ये 84 उतार लेंगे। अब बेटा देखिए, ये आपके पास आ गया 884। अब आपने यहाँ पे दोबारा एक नंबर ऐसा लिखना है ताकि मल्टीप्लाई करने से 884 आ जाए। तो अगर देखिए, आप यहाँ पे भी 2 लिख दें और यहाँ पे भी 2 लिख दें, ठीक है। 442 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा 8 4 आ जाएगा, 8 4। अभी आपके पास रिमाइंडर 0 बच गया, इसका मतलब ये जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर 222 हो जाएगा, ठीक। यानी 49284222 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ही आ जाएगा।
ठीक है बेटा, तो यहाँ तक ट्राई कीजिएगा, तो बाकी इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।